गाइस, सिडनास के आखिरी लम्हे। जी हाँ, देखिए, अगर आप भी पढ़ेंगे तो आप भी रो देंगे, आप भी सोचेंगे क्या सच में ऐसा होता है। देखिए, ये तो है कि दोनों लास्ट टाइम साथ ही थे, लेकिन क्या क्या हुआ, सिद्धार्थ के एक बहुत ही करीबी फैमिली मेम्बर हैं, उन्होंने बताया। और गाइस, ई टाइम्स में एक आर्टिकल आया है, जी हाँ, अभी थोड़ी देर पहले आया है, उन्होंने पूरी बात को बताया है, कैसे कैसे क्या हुआ। मैं आपको दिखाऊंगी उस आर्टिकल को। देखिए, एक्सक्लूसिव, सिद्धार्थ शुक्ला डेथ वॉज शहनाज गिल बाय हिज साइड व्हेन ही ब्रीथेड हिज लास्ट, कि उनकी साइड में ही थी जब उन्होंने आखिरी सांस ली। इस आर्टिकल के अंदर पूरा बताया है कि कैसे कैसे क्या हुआ। देखिए, उनके फादर ने भी थोड़ा सा बताया था कि शहनाज ने उन्हें बताया है, उनके फादर ने बताया था कि रात 1 से 1.5 बजे तक तो दोनों वीडियो कॉल पर थे, उनसे बात हुई थी। अब आप इस आर्टिकल को देख लीजिए। सोर्सेज क्लोज टू द एक्टर एंड प्यूपिल हु विजिटेड सिद्धार्थ शुक्ला फैमिली टुडे एट हिज रेजिडेंस टू शेयर देयर कंडोलेंस इन्फॉर्म अस दैट शहनाज इन ए स्टेट ऑफ शॉक एंड इज नॉट एबल टू केम टू टर्म्स विद द फैक्ट दैट ही इज़ नॉट अलाइव। ये तो मैंने आपको पहले ही बताया कि शहनाज बहुत ज़्यादा शॉक में है और वो नहीं मान पा रही हैं कि सिद्धार्थ अब नहीं रहे हैं। The actor who passed away due to a heart attack had complained of uneasiness hours before his death. मतलब उनको सही नहीं लग रहा था, बेचैनी फील हो रही थी थोड़े टाइम पहले अपनी डेथ से। The actor came home at around 9:30 PM की 9:30 बजे करीब वो घर आए, after which he started feeling uneasy. His mother and Shehnaz both were at home. उनकी मम्मी और शहनाज दोनों घर पर ही थी। First they gave him नींबू पानी एंड लेटर आइसक्रीम टू मेक हिम फील बेटर, मतलब उन्हें नींबू पानी और आइसक्रीम दिया जिससे उन्हें अच्छा फील हो, बट उनकी हेल्प नहीं हुई, इट डिड नॉट हेल्प हिम। सिद्धार्थ स्टिल कंप्लेंट ऑफ एनजाइटी, मतलब फिर भी वो कंप्लेन कर रहे थे जैसे कि इंसान को एनजाइटी हो रही है, परेशानी हो रही है। तब शहनाज एंड हिज मदर आस्क्ड हिम टू रेस्ट, मतलब रेस्ट करने के लिए बोला। सिद्धार्थ ऑन द अदर हैंड कुड नॉट स्लीप सो ही आस्क्ड, मतलब वो सो नहीं पा रहे थे क्योंकि उन्हें थोड़ा अनईजी फील हो रहा था, तो उन्होंने शहनाज से कहा शहनाज टू बी विद हिम एंड जस्ट पैट हिज बैक, और उनकी जैसे बैक होती है उसको सहलाने को, इस तरह से बोला अराउंड 1:30 AM। देखिए, यहीं तक बात कर रहे थे उनके पापा की, वो वीडियो कॉल पर भी बने हुए थे, बात हुई होंगी उनकी भी। सिद्धार्थ स्लेप्ट इन शहनाज लैप, वो उनकी गोद में सो गए। एंड द लेटर देन स्लोली मूव्ड अवे, अब जैसे इंसान सो जाता है गोद में और फिर साइड में हो जाता है, आप जानते होंगे इस बात को, वो साइड में हो गए। शी टू स्लेप्ट, वो भी सो गई क्योंकि वो सो गए थे। एंड अराउंड 7 AM व्हेन शी वॉक अप शी सा सिद्धार्थ स्लीपिंग इन द सेम पोजिशन विदाउट एनी मूवमेंट, और जब वो उठी उन्होंने देखा कि सिद्धार्थ ऐसी ही पोजिशन में सोए हुए हैं जैसे कि सोए थे विदाउट एनी मूवमेंट। एंड व्हेन शी ट्राइड टू वेक हिम अप ही डिड नॉट मूव, उन्हें उठाने की कोशिश की तो वो नहीं हिले ना उठे। शहनाज पैनिक हो गई एंड रश्ड फ्रॉम 12th floor to 5th floor वेयर हिज फैमिली लिव्ड, कि मतलब अपना जो उनका फ्लोर था उससे 5th floor पर गई उनकी फैमिली को बुलाने के लिए। शी इन्फॉर्म्ड हर सिस्टर एंड दे कॉल्ड हिज फैमिली डॉक्टर हु आफ्टर हिज अराइवल इन्फॉर्म दैट सिद्धार्थ वॉज नो मोर, कि फैमिली डॉक्टर बुलाया गया था और उन्होंने कंफर्म किया कि सिद्धार्थ अब नहीं रहे। सो गाइस, ये सिडनास की आखिरी लम्हों की दास्तान। और देखिए, जो टीवी न्यूज़ चैनल हैं उन पर नहीं आएगा क्योंकि वो ऑफिशियली जो बयान आते हैं उनको दिखाते हैं।